मतलब एक होता है जब आप गाड़ी में काम करवाते हैं तब खुशी होती है, और दूसरी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा खुशी वाली स्टेट में हूँ। गाड़ी खरीदना उत्तराखंड से खरीदने का यही प्लान था, 4 महीने की वेटिंग के बाद मुझे गाड़ी मिली, और उसके बाद 500 किलोमीटर गाड़ी चली है, और उसके बाद मैं सीधे पेगासस में लेके आया हूँ ताकि मैं इसमें मॉडिफिकेशन करवा सकूँ। सीट्स का काम तो सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा मुझे। तो आपको अगर अपनी गाड़ी में काम कराना है तो डेफिनेटली कम टू पेगासस प्रीमियम। मतलब ही विल नेवर चार्ज यू इन एन एग्जैजरेटेड वे। आई एल टेलिंग यू, अगर मैं यही काम सब अगर मैं बैंगलोर से कराता, इट वुड बी हैव बीन कॉस्टिंग मी 1.5 टाइम्स व्हाट ही हैव चार्ज्ड मी। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सोनी पेगासस प्रीमियम से आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, जहां पर आप देखेंगे एक और नई थार जो आई थी हमारे पास यूके उत्तराखंड से। तो इस थार में हमने मात्र 2 दिन के अंदर कंप्लीट इंटीरियर भी कर दिया है, एक्सटीरियर भी कर दिया है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए अपनी कार में, बहुत ज़्यादा जो डैशबोर्ड है डोर्स है क्योंकि उसी में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, अगर वो आइटम नहीं चाहिए एक सेमी इंटीरियर में, और उसके साथ साथ जो महिंद्रा थार के लिए लग्जरी और वाकई में जो लुक है इनहेंस करती है एसेसरीज, वो जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि मात्र 2 दिन के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, बट अगर आप प्री बुक करा दें आकर हमारी वर्कशॉप में, आप डिज़ाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन लेदराइट की क्वालिटी अगर पसंद करेंगे तो उस कंडीशन में हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है आपके हिसाब से आपकी थार का इंटीरियर। तो यहाँ पर हमने उसी को उसी हिसाब से करा है, और यहाँ पर मात्र 2 दिन में, जो मैं 2 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकतर केसों में जब हम पूरा इंटीरियर करते हैं तो 4 से 5 दिन लग जाते हैं, इसमें 2 दिन में क्या क्या हुआ है इस वीडियो में देखेंगे, कैसे हुआ है, कितने में हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। फ्रंट की आप जान सकते हैं ऑल ओवर द वन ऑफ द बेस्ट मेटल गार्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ प्रोमैन, यहाँ देखेंगे आप ये लगा दी हैं। इसकी खास बात बताता हूँ आपको दोस्तों, इसकी फिट एंड फिनिश देखेंगे यहाँ से, इसकी ये यहाँ गैप नहीं होगा। नॉर्मली आप जेएल के या कोई से बम्पर्स लेते हैं जो एबीएस या फाइबर की होते हैं, वहाँ गैपिंग होती है। एक तो इसकी शेप जो कर्विंग है, ये जो ये साइड से और बीच में सेंटर में लेयर है और इसके ऊपर का पीस जो साथ में क्लब हो जाता है, उससे इसकी शेप थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आ जाती है, फ्लैट नहीं है। फिर हम लाइट्स भी अलग से लगा सकते हैं अगर कस्टमर चाहते तो, यहाँ 2 लाइट्स लग सकती थी जो और ज़्यादा ग्लो कर देती जो रोड को, वो हमारे पास है। नीचे की देखेंगे अंडरबॉडी प्लेट्स है, जो वो अंडरबॉडी प्लेट्स भी हमने इंस्टॉल करी है। ये अंडरबॉडी प्लेट्स और ये टोटल और ये 3 पीस की किट आती है जो आपस में क्लब होती है, और इसका नियर अबाउट जो MRP होता है वो 38,000 होता है प्रोमैन का, आप चेकआउट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी आइटम है। सेंटर में हमने यहाँ जेएल की ग्रिल डाल दी है इम्पोर्टेड ABS की, जो कि क्वालिटी बहुत शानदार है, ये देखेंगे आप। और इसके अंदर जो हनीकॉम है, हनीकॉम डिजाइन आप देखेंगे मिड में है, 7 स्पोक ग्रिल कहा जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ देखेंगे 7 स्पोक का पूरा वो इसका गैप आता है, गैप के अंदर यहाँ पर हनीकॉम का जो डिज़ाइन है वो है। जेएल की हमने हेडलाइट इंस्टॉल कर दी है इसके अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा चलने वाली हेडलाइट है, और यहाँ हमने स्मोक कलर में DRL इंडिकेटर जो है इंस्टॉल करे। अच्छा, ये जो चीज़ है ये भी हमने यहाँ पर, इसी फोग लैम्प की क्वालिटी बहुत अच्छी है, रीज़न इसका जो बायोमेट्रिक 2-वे लेंस है वो रोड पे काफ़ी अच्छी एक लाइन के साथ साथ थ्रो अच्छा डालता है। तो ये जो फ्रंट की लुक है कंप्लीट, ये 4-5 आइटम्स लगाने से बदल गई है, आप देख सकते हैं कितनी मैच्योर लुक हो गई है इस समय, तो काफ़ी अच्छी है। अब आ जाते हैं इसकी साइड की प्रोफाइल पे। साइड की प्रोफाइल में हमने 2 परिवर्तन किए हैं, जो प्रोमैन के यहाँ डोर हिंजेस हैं वो हमने इंस्टॉल करे हैं। फिट एंड फिनिश क्वालिटी देख लेंगे, प्रोमैन की बैजिंग यहाँ पे लगी हुई है, और उसी के साथ देखेंगे कंपनी के जो हमने OEM नट लगा दिए हैं वो काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं। उसके जस्ट ऊपर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमने पियानो ब्लैक जो साइड्स के ORVM है उस पर, ये जो पियानो ब्लैक का फ्रेम लगा हुआ है इसमें लाइट्स भी ब्लिंक करती है, थार जो लिखा हुआ आ रहा है वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। तो ये अब यहाँ से इसके साथ साथ चलेंगे ऊपर की तरफ, हमारे पास टेलर के करियर होते हैं बट यहाँ पर हमने हाफ लगाया है, जिसपे ऊपर आपको थार की बेजिंग नज़र आ रहा होगा। ये चीज़ नियर अबाउट आपको 8,000 से 9,000 के बीच में मिल जाती है, बट क्वालिटी टू क्वालिटी है, ब्रांड टू ब्रांड है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलते हैं एक बारी रियल प्रोफाइल में, कि रियल प्रोफाइल में क्या किया है। तो यहाँ रियल प्रोफाइल में हमने ये देखेंगे टेल लैम्प के नीचे जो रिफ्लेक्टर हैं, तो यहाँ रिफ्लेक्टर इंस्टॉल कर दिए, जो ठीक है क्योंकि टेल लैम्प नहीं करी, टेल लैम्प कस्टमर को OEM चाहिए थी। तो ये जो आइटम्स हैं ये बाहर की हुई हैं, जो कि आपके सामने हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक, एक तो मुझे ये अच्छा लगा लगने से, देखिए ज़रूरत भी है, लगने के बाद इसकी ना लुक इनहेंस हो जाती है गार्ड, मतलब आपकी थार ना थोड़ी ऑफ रोडिंग लुक आ जाती है, तो दैट इज़ गुड। और साथ में देखेंगे हर चीज़ फिर OEM टाइप रखी है, 4x4 कार है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में क्या क्या किया हमने दोस्तों। इस समय हम देख रहे हैं एक शानदार इंटीरियर, देखिए कलर कॉम्बिनेशन सोबर है, सिंपल है, ड्यूल शेड है और लेदर लुक है। आप इसमें अगर जूम करके देखेंगे इस मटेरियल को, तो इसमें जो ग्रेन इफेक्ट है वो लेदर टू बिल्कुल मैच करता है, साथ में ड्यूल टोन इफेक्ट है,
लेदर के अंदर कहीं जगह आपको डार्क शेड दिखेगा, कहीं जगह लाइट शेड दिखेगा, जैसा कि जनरल लेदर में कुछ एक पार्ट्स में आता है। फिनिशिंग देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए, स्टिचिंग का पैटर्न देख लीजिए, OEM फिटिंग है बिल्कुल। और पर्सनली ये जो कलर है वो कलर ब्राइट भी नहीं है और ब्लैक भी नहीं है, तो ब्राइट कलर्स हम बहुत सारे बनाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बहुत जो कस्टमर्स हैं, फॉलोवर हैं, जो आप प्यार करने वाले हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं कुछ कार्स के कलर ऐसे लेता हूँ कि जो कलर्स ड्यूरेबल नहीं होते, या कुछ कलर फंकी होते हैं, आई कैचिंग होते हैं, स्पोर्टी होते हैं। देखिए हर तरह की थीम है, तो आज ये भी देख लो कि मेरा सिर्फ माध्यम ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक संतरी या नियोन ग्रीन या वैसे, क्योंकि वो एक कस्टमर की पसंद होती है और वाकई में कई पार्ट्स में वो भी अच्छे लगते हैं खासकर, मगर एक कस्टमर की पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए, मुझे वो देना है। मैंने कलर कॉम्बिनेशन की सारी बुक्स है हमारे पास, हम बैठते हैं समझते हैं पहले कस्टमर की मानसिकता को, समझते हैं कि उनको रियलिटी में चाहिए क्या। मैं कुछ बेचूंगा नहीं जब तक कि मैं समझूंगा नहीं कि वाकई में उनका टेस्ट क्या है। नॉर्मली वो बोले आके कि भाई मुझे कार ऐसी चाहिए मज़ेदार, अंदर खुलते ही लाइटिंग ये वो चाहिए, तो मुझे समझ आ जाता है कि उनको स्पोर्टी लुक चाहिए, सीधी बात है। लाइटिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लाइट कलर चाहिए, आई कैचिंग कलर चाहिए, कार ओपन होते ही बाहर के लोग देखें यार ये क्या है, स्पोर्टी कलर, तो लाइट कलर थीम बहुत ज़बरदस्त आती है, मेंटेन रखना पड़ता है बट लाजवाब। कई कस्टमर आते हैं सेटल कलर चाहिए, यार कॉफ़ी कर दो, ब्राउन कर दो, बेज कर दो, लाइट कलर मतलब ऐसा कलर कर दो जो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग ना हो, स्पोर्टी ना हो, ज़्यादा उनके अंदर वाइब्रेट कलर ना हो, ठीक है। उस कंडीशन में आप बताइए ब्लैक, कॉफ़ी, डार्क टैन, ऐसे ऐसे कलर्स आ जाते हैं जो वाकई में आपकी कार के अंदर उस हिसाब से लगेंगे और फिनिशिंग, फिटिंग फिनिशिंग तो सेम होगी वो, तो ये यहाँ पर बात है। चलो वीडियो को आप शुरू करते हैं कि जो ये सीट्स कवर हैं ये हमने सेम उसी लैदराइट में लगाए हैं, ये आप फिट एंड फिनिश देख सकते हैं। सेंटर के जो आर्मरेस्ट हैं ये देखेंगे और पीछे के जो आर्मरेस्ट हैं वो सेम लैदराइट में बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि ये लैदराइट कुछ हो रहा है और वो जो आर्मरेस्ट का लैदराइट वो कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखेंगे गियर नॉब, गियर बूट, ये जो गियर नॉब की क्वालिटी है ये सब देख रहे हैं, सेम लेदराइट से हैं। स्टीयरिंग देखेंगे, स्टीयरिंग पूरा कस्टमाइज स्टीयरिंग है, बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, बट जो फिनिशिंग आती है क्यों, पूरा पार्ट कवर होता है, पीछे की तो पूरी बाउंड्री है वो कवर होती है, सिर्फ यहाँ नहीं कि यहाँ छोड़ दिया फिर यहाँ से आपको स्टिचिंग दिख रही है फिर यहाँ से, ऐसा नहीं है, प्रॉपर फिटिंग है, प्रॉपर फिनिशिंग है, क्योंकि महिंद्रा थार कर करके इतना अनुभव हो गया है कि हमसे जो इंटीरियर में और एक्सटीरियर में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो गलत हो, बस ये है कि कस्टमर अपना टेस्ट बता दे, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर की रूफ देखेंगे, यहाँ डैम्पिंग करके हमने ऊपर की रूफ कर दी है, सेंटर में रूफ कर दिया, अच्छा पूरी कार के अंदर डैम्पिंग जरूर करी है, और मैं बताना चाहूँगा कि डैम्पिंग आज के टाइम पे जरूरी बन गई है, खासकर जब आप ऑफ रोडिंग कार है या लगता है आपको साउंड बाहर कार है, कार के अंदर एक साउंड प्रूफिंग चाहते हैं तो डैम्पिंग करा लीजिए, बेहतर रहता है। और इसकी छत में तो ये दिक्कत भी है कि 90-100 से ऊपर चलती है, थोड़ी वाइब्रेट करती है, बिकॉज हार्ड टॉप इसका ABS का है तो ज़रूरी ये भी बन जाता है, तो यहाँ पर भी हमने डैम्पिंग कर दी, लोअर में भी डैम्पिंग कर दी, ऊपर हमने क्रिस्क्रॉस डिजाइंस बना दिया, ये देखिए आप क्रिस्क्रॉस। अब ये भी सेम मटेरियल का है जिस मटेरियल में आपके सीट्स कवर हैं, जिस मटेरियल में आपका आर्मरेस्ट है। एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जानने वाली बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी, आप जरा ध्यान दें कि जिस मटेरियल में हमने पूरा लेदरेट का ये सेमी इंटीरियर किया है उसी में देखेंगे नीचे के जो कस्टम मैट हैं वो हमने इसी में बनाए हैं, मतलब ये बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत है, इसे कहते हैं इंटीरियर, और यही कस्टम इंटीरियर है, ये आपके हिसाब से बन गया, अच्छी बात यह 2 दिन में बन गया कि आप पहले से बुकिंग करा के आए, आपको लगा ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, आपने कुछ बुकिंग कराई और उसके बाद स्लॉट बुक कराया और आप आ गए, तो हम वो टाइम रिजर्व रख लेते हैं ताकि आपकी कार को थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लिया कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से रेडी करके दे दी। तो ये जो इंटीरियर है यहाँ पर कर चुके हैं, इसके अलावा हम पियानो ब्लैक की किट हमने लगा दी है, दिस वन, ये साइड्स में देखेंगे, ये जो चीज़ देखेंगे जितनी, ये फ्रेम ये पियानो ब्लैक कर दी है साइड्स में, पिलर पोर्ड हमने लगाए हैं मैक्स लिंक के, ठीक है, इसमें साउंड की इनहेंस हो जाता है म्यूजिक सिस्टम में, थोड़ा सा देखो फ्रंट की लुक भी थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है, 2 स्पीकर, एक ट्यूटर, एक मिड रेंज लगा हुआ है इसके अंदर, प्रोमैन के ग्रैब हैंडल लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं जैसा कि बताया प्रोमैन का, उन्हें बम्पर लगाया है प्रोमैन के लगाए हैं, तो कस्टमर क्यों उसमें करेंगे, लोकल ब्रांड्स भी आते हैं बट प्रोमैन वन ऑफ द बेस्ट और ब्रांड है जिसमें आपको देखेंगे फिट एंड फिनिश भी बहुत अच्छी है और जो लुकिंग है वो भी बड़ी क्लासिक लगती है, अच्छी लगती है। तो यहाँ ये पूरा इंटीरियर हो गया है, लगभग बताऊँ तो मैं ये 2 लाख रुपीज़ में पूरा इंटीरियर हुआ है और एक्सटीरियर हुआ है, तो इसकी जो आप गणना चाहेंगे कि क्या क्या कितने में लगा है, जैसे नॉर्मल 38,000 का तो बम्पर ही है बट क्वालिटी सब बेस्ट है, तो आपके हिसाब से बजट है, आप चाहते हैं कि 50,000 में इंटीरियर, 50,000 में एक्सटीरियर, 1 लाख रुपीज़ में सारा काम भी कर दूंगा दोस्तों, ठीक है इस तरीके का। आप चाहते हैं कि 50,000 में सारा काम हो जाए जिसमें थोड़ा बहुत इंटीरियर हो जाए थोड़ा बहुत एक्सटीरियर, तो वो भी गाइड कर दूंगा कि ये ब्रांड लगा लीजिए, क्योंकि बात तो सब पैसों की है, जितना आप उसके अंदर पुट ऑन करेंगे उतने हिसाब से हम आपको ब्रांड सजेस्ट कर देंगे, फिर आपका चुनाव करना है कि यार ये चीज़ लगा दो,
बजट के हिसाब से काम आप 6-7 लाख का भी करा सकते हैं, 10 लाख का भी करा सकते हैं, काम आप 50-60 हज़ार का भी करा सकते हैं। तो ये एक बताना हमारा काम है, मैं कंपेल नहीं करूँगा कि ये कराओ वो कराओ। हाँ ठीक है, आपका बजट है, आपने निर्धारित कर लिया कि मुझे इस कार के अंदर इतना मैं कैपेबल हूँ कि मैं इसमें डाल सकता हूँ, हम आपको बेस्ट सजेस्ट कर दूंगा, उस हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं। फाइनली आप देख चुके हैं पीछे की जो रूफ़ है, ये देखिए विंडो, ये भी हमने कर दी है और पीछे की सीट्स भी कर दी है। ऊपर के देखेंगे पियानो ब्लैक के स्पीकर्स हैं, ये भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ पूरा काम, और मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बना रहे हैं, बनाते रहेंगे। और एक बार चलते हैं कस्टमर के पास जो हमारे पास आए उत्तराखंड से, कैसे हमने प्रोजेक्ट उनको उनसे लिया और किस प्रकार अब दिया, उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए। तो महिंद्रा थार आप देख चुके हैं, इसका इंटीरियर भी देख चुके हैं और एक्सटीरियर भी देख चुके हैं। अब जो थार के ऑनर हैं वो आए हैं हमारे संग, अपना बताएंगे एक्सपीरियंस फीडबैक कि कैसे उनका जो भी समय सीमा में ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का काम हुआ, कैसे हैं सर? बहुत बहुत पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा भाई साहब। मतलब एक होता है जब आप गाड़ी में काम करवाते हैं तब खुशी होती है, और दूसरी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा खुशी वाली स्टेट में हूँ। मैं वैसे तो उत्तराखंड का हूँ, पर मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ, बट मैंने जब भाई साहब के वीडियोज़ देखे और जो हाउ ही कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ द कार, और हर चीज़ का उद्देश्य बताते हैं कि आप ये लगा रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा, कार का लुक कैसे इन्हांस होगा, परफॉर्मेंस कैसे इन्हांस होगी, तो ये सब चीज़ें देख के मैंने गाड़ी खरीदना उत्तराखंड से खरीदने का यही प्लान था। 4 महीने की वेटिंग के बाद मुझे गाड़ी मिली, और उसके बाद 500 किलोमीटर गाड़ी चली है, और उसके बाद मैं सीधे पेगासस में लेके आया हूँ ताकि मैं इसमें मॉडिफिकेशन करवा सकूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, जैसे भाई साहब ने मेरे प्रोमैन का बम्पर डाला है, ऊपर कैरियर डाला है, सीट्स का काम तो सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा मुझे। बिल्कुल आप देखें इसको, ये किसी मतलब जो हाई एंड कार्स होती हैं BMW और वैसी वाली जो सीट कवर्स होते हैं, उस लेवल का सीट कवर भाई साहब ने प्रोवाइड किया है। मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं, तो मैं अभी भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि बाकी गाड़ियों में भी किस तरीके का मॉडिफिकेशन हो सकता है सनी भाई से। सो आपको अगर अपनी गाड़ी में काम कराना है तो डेफिनेटली कम टू पेगासस प्रीमियम, लाइक यू विल बी सेटिस्फाइड टू द हाईएस्ट एक्सटेंट आल्सो, एंड थैंक्स अ लॉट अगेन सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये ट्रस्ट है, यही चाहते हैं हम, काम तो देखिए कम आएगा ज़्यादा आएगा वो तो एक अलग चीज़ है, डिपेंड करता है हमारे काम पर, बट एक फीडबैक से क्लियरिटी हो जाती है आपको भी जो आप वीडियो देख रहे हैं कि ठीक है कितना तर्कसंगत लगता है कि जाना किस हिसाब से काम कराना, जो मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप कनेक्ट रहिएगा, बने रहिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और बहुत सर का बहुत स्पेशली धन्यवाद कि बेंगलोर में रहते हैं, उत्तराखंड से कार निकलवाई और यहाँ पेगासस प्रीमियम पे आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा भाई साहब के, उसमें मतलब ही विल नेवर चार्ज यू इन एन एग्जैजरेटेड वे, जो भी ये चार्जिंग करेंगे जो एक बिल्कुल लाइक जस्टिफाइड प्राइसिंग है, उस प्राइसिंग में आपको ही विल बी प्रोवाइडिंग। आई एल टेलिंग यू, अगर मैं यही काम सब अगर मैं बेंगलोर से कराता, इट वुड बी हैव बीन कॉस्टिंग मी 1.5 टाइम्स व्हाट ही हैव चार्ज्ड मी। सो मतलब लाइक वैल्यू फॉर मनी, आई विल से आई एम वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल वर्क दैट इज डन ऑन माय कार। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।